26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है, उसमें 4 दल 5 दल 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब रहता है। क्यों, आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह? जदयू के किस नेता का बयान, किसी प्रवक्ता का है था क्या? किस नेता का बयान है? क्योंकि है ही नहीं मेरी जानकारी में ना, हम देखे ही नहीं है। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। देश में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना और कई राज्यों में उपचुनाव होना है, लेकिन झारखंड चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो बिहार में भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया है, तो वहीं इंडिया अलायंस में जो कहा जाए कि सिर फुटा हुआ सा माहौल बना हुआ है, जहां एक कहा जा रहा है कि राजद को अभी वहां पर सीट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सवाल किया गया पाटलिपुत्रा से सांसद हैं मीसा भारती राजद कोटे से, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए अभी कोई बात नहीं हुई है, नाराजगी की बात नहीं कही जा रही है, संगठन को लेकर चलना है, शाम तक तस्वीरें हैं वो साफ सामने आ जाएगी। क्या कुछ करें मीसा भारती, पहले सुनो उनकी बात। तो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। देखिए, झारखंड चुनाव का घोषणा हो गया है और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन में थे, अलायंस में थे, अब हमारे लीडर्स झारखंड में हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आगे हुई मेरी जानकारी में नहीं है। आज शाम तक कुछ बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है और जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता अपने नेता में आस्था जताते हुए जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। महागठबंधन टूट जाएगा दीदी, वहाँ जिस तरह से नाराजगी झारखंड में? नहीं, महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है, मैंने कहा कि अभी तो कोई बातचीत अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, शाम तक क्लियर हो पाएगा। अभी तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी नहीं है आपको? आप ये मानती है कि नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है, उसमें 4 दल 5 दल 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब रहता है। क्यों, आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? तो हर एक दल में हर एक नेता की ये अभिलाषा होती है कि हमारे दल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उम्मीदवार टिकट्स मिले ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर पाए। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला उसकी यात्रा, और देखिए सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको तरह तरह की यात्रा करने की आज़ादी है, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा, अनलेस देखते हैं कि अब जो उनकी यात्रा है उसमें क्या आगे होता है नहीं होता है। बहुत लोग यात्रा करते हैं, अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, हमारे यहाँ भी कुछ नेता हैं जो यात्रा पर लगे हुए थे, तो रहता है हर एक दल का अपना एक और लोगों का अपना रहता है, चलता रहता है। लेकिन उस यात्रा से क्या देश के लोगों की भलाई होगी नहीं होगी, या हेट्रेड पैदा होगा, क्या होगा? लेकिन जदयू के लोगों ने कहा है कि कम्युनलिज्म से जो है सीएम नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे, अगर गिरिराज इधर उधर किए तो कार्रवाई भी करेंगे, मंत्री हैं तो क्या हुआ, जेल भेजने का भी काम करेंगे? कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह जी को? सीएम नीतीश कुमार, जदयू कह रही है। जदयू के किस नेता का बयान, किसी प्रवक्ता का आया था क्या? किस नेता का बयान है? क्योंकि है ही नहीं मेरी जानकारी में ना, हम देखे ही नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे तो हम उस बयान पे टिप्पणी भी कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने जनता को कहा है कि और बच्चे और मीसा जी क्या बोलती है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार जो हम लोग वहाँ गए इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो 2 बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा।
वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से 40 तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। तो आपने सुना पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती किस तरह से झारखंड चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए जा रहे हैं, और वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर उधर जाने की जो बात कही जा रही है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ 5 के साथ, नमस्कार।